हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन ब्लू चिप मार्ट। जल्दी से देख लेते हम कि 15 सितंबर को मार्केट कैसा होने वाला है एंड क्लोजिंग कैसी हुई, मतलब ग्लोबल मार्केट की क्लोजिंग कैसी हुई, एफआईआईडीआई का मतलब कि बाइंग सीलिंग क्या हुई कल, लास्ट कुछ 24 आवर में कोविड सिचुएशन कैसी रही, ठीक है, एंड एफएन डेटा क्या बोलता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी देखते जल्दी से, ठीक है, एंड उसके ऊपर से हम एनालिसिस करते कि मतलब कि क्या होने वाला है मार्केट में, मार्केट अप जाने वाला है कि डाउन जाने वाला है, या उससे या कुछ और फ्लक्चुएशन आएगा, साइडवेज आएगा, हम उन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगर तो निफ्टी फिफ्टी कल निफ्टी फिफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ। इनिशियली मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जंप करके ओपन हुआ था, अप्रॉक्स 17,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा था निफ्टी, ठीक है, बट फाइनली नीचे आके 0.14% के गेन के साथ में बंद हुआ। सेम सेंसेक्स 0.12% के साथ गेन के साथ में बंद हुआ, ठीक है। पॉजिटिव में क्लोज होने वाले जो इंटरनेशनल स्टॉक्स है, ठीक है, इंटरनेशनल जो सॉरी इंडेक्स है उसमें डैक्स है, डैक्स पॉजिटिव में बंद हुआ, एंड लास्ट कॉस्पी है जो कि न्यूट्रल है फिलहाल, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल कंडीशन पूरी निगेटिव है, ठीक है। आप देखोगे तो डॉ जोन्स के मतलब अप्रोक्स 1% डाउन है, अप्रोक्स 0.5% नैसडैक डाउन है, अप्रोक्स 0.5% S&P 500 डाउन है, ठीक है, अप्रोक्स 0.5% FTSE 100 डाउन में, और कैग 100 भी मतलब कि 0.36% डाउन में, ठीक है। ऑल्सो निकेई एशियन मार्केट में निकेई अप्रोक्स 1% डाउन है, ठीक है, हैंगसेंग 1% डाउन है, अप्रोक्स 1.29% डाउन है हैंगसेंग, ठीक है। तो ओवरऑल ग्लोबल कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव है, एंड उसका इफेक्ट हमको इंडियन मार्केट में दिखेगा। इंडियन मार्केट में आज मे बी क्लोजिंग में नेगेटिव में क्लोज होंगे, एंड देखते कैसा होता है। अगर और कंडीशन बिगड़ गई ग्लोबल मार्केट में तो फिर हमें और ज़्यादा मतलब बड़े बड़े मतलब कि फॉल्स दिखेंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये फिलहाल कंडीशन है ग्लोबल मार्केट में इसकी, इंडाइसिस की, ठीक है। वही कम्योडिटी प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ, कम्योडिटी प्राइसेस में एमसीएक्स गोल्ड जो कि पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, सिल्वर अप्रोक्स 0.57% के मतलब कि पॉजिटिव गेन के साथ में चल रहा है, ठीक है। वही कुछ बेस मेटल्स की अगर बात करूँ, बेस मेटल्स में कॉपर अप्रोक्स 1% डाउन है, एल्यूमिनियम 1.5% डाउन है अप्रोक्स, एमसीएक्स पॉजिटिव में काम कर रहा है 0.29%, ठीक है, निकेल 0.44% की डाउन में काम कर रहा है नेगेटिव में, एंड 0.55% से मतलब कि जिंक काम कर रहा है रेट में, ठीक है। वही यूएसटी आईएनआर की बात करूँ तो यूएसटी आईएनआर अभी मतलब कि गेन के साथ में काम कर रहा है, 73.68 का मतलब कि लेवल है अभी फिलहाल, मतलब इसका अपने को पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा किस पे, यूएसडी आईएनआर पे। वही जो मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर में बोलूँगा कि आज भी मतलब कि थोड़ा प्रेशर में रहेगा, कल भी मैंने बोला था कि प्रेशर में रहेगा, ठीक है। आईटी मैंने बोला था कल कि मतलब कि गेन में रह सकता है, आईटी में भी कल चला भी, ठीक है, एंड मेटल थोड़ा सा मतलब कि प्रेशर में रहा अभी कल, ठीक है। तो ये हम कंटिन्यू देखेंगे कि यही रहेगा अभी मार्केट में, ठीक है, आज के दिन भी, ठीक है। क्रूड ऑयल की प्राइस अगर मैं बात करूँ तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में जो इंडियन बास्केट है, इंडियन बास्केट अभी फिलहाल ट्रेड कर रही है $72.01 पर बैरल के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, अप्रोक्स 1% के गेन के साथ में इंडियन बास्केट जो है क्रूड ऑयल की वो वर्क कर रही है, ठीक है, एंड ये थोड़ा हाई प्राइस हो गया अभी, तो इसका हमें प्रेशर दिखेगा पेंट्स पे दिखेंगे हमको प्रेशर, बाद में एविएशन पे दिखेंगे फर्क इसका, ठीक है, एंड अदर कुछ मतलब कि जो भी है लाइक ना, तो उसमें हमको इसका मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा, बट पॉजिटिव दिखेगा रिफाइनरी में, रिफाइनरी हमें गेन के साथ काम करते हुए दिखेगा, बाद में जो ऑयल है, ऑयल, ठीक है, ऑयल एंड गैस, वो उनको उनके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप अपना ट्रेड रखो, एविएशन, पेंट्स, केमिकल, इन सब चीज़ों से दूर रहो फिलहाल, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ रहा है इनका प्राइस, तो फ़र्क हमको उसमें दिखेगा, ठीक है। जो कल मार्केट हुआ,
कल तो मार्केट मतलब कि अच्छा खासा हुआ, अच्छा खासा फ्लक्चुएशन था मार्केट में, बट एंड में मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है, एंड में मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। इनिशियली मार्केट मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब गेन में काम कर रहा था, ठीक है। फाइनली जो अब हमारा मतलब कि जो ये था यूरोपियन मार्केट जो ओपन होता है, तब तब मतलब कि मार्केट में थोड़ा सा और ज़्यादा डाउनफॉल आ गया एंड मार्केट फिर ये करने लग गया, मतलब साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थे मार्केट का जो लेवल था एक्चुअली जिसके ऊपर मतलब कि मार्केट को सस्टेन करना था, जो कि 400 का लेवल था, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया कल, ठीक है। तो अगर सस्टेन कर लिया होता तो हम बोल सकते थे मतलब और बड़ी लेवल हमको दिख जाती थी, पर वो नहीं हो सका, ठीक है। तो आज भी हम मतलब कि वैसे जैसे हमने ग्लोबल कंडीशन देखी है, ग्लोबल कंडीशन तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो सोच सकते हैं कि मतलब कि हमको आज जैसा फ्लक्चुएशन दिखेगा या डाउनफॉल दिख सकता है मार्केट में अप्रॉक्स 320 या 300 के आसपास। ब्रोकर्स का जो रिकमेंडेशन है कल का, कल की जो ब्रोकर्स की रिकमेंडेशन है, ठीक है, तो ब्रोकर्स की रिकमेंडेशन में महिंद्रा लाइफ को बाय रेटिंग दिया है, ठीक है, ICICI डायरेक्ट ने, ठीक है। जो टारगेट प्राइस है उनका वाला 325 है, करंट प्राइस है 279, ठीक है। तो ये ब्रोकर्स का मतलब कि महिंद्रा लाइफ के ऊपर मतलब कि टारगेट है। वही दिव्यानी इंटरनेशनल जो अभी करंटली न्यू कंपनी आई है, उसके ऊपर बाय रेटिंग दिया है KR चौकसी ने, जो सिक्योरिटीज है उन्होंने टारगेट दिया है 151, करंट प्राइस है 120, ठीक है। पॉलीकैप में बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 2461, करंट प्राइस है, और टारगेट प्राइस है 2850, ठीक है। आप इसमें बाई करने के लिए सोच सकते हो, ये अच्छी अच्छी कंपनी है, ठीक है। आपको अभी तक तो गेन मिला ही है, अभी तक तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, आगे चल के भी कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन रहेगा बाय करना नहीं करना। कोल इंडिया बाय रेटिंग फिर से, ठीक है, इससे पहले भी आ चुकी है, 185 का टारगेट है, 155 का करंट प्राइस है थ्रू शेरखान, ठीक है। परसिस्टेंट के ऊपर बाय रेटिंग है, MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिया है, ठीक है, टारगेट प्राइस है 3700, करंट प्राइस है 3587, ज़्यादा कुछ बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब कि ब्रोकर्स के कॉल्स हो गए, वही आगे चलते जो कि अपडेट्स है करंट। तो कल हमने जो बात किया था मतलब कि जोमेटो के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी कल, ठीक है, बट उसकी वजह से कम स्टॉक 5-6% भागा है, 7% भागा है, बट एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई सेकेंड हाफ में, जो कि गौरव जो है इनके, गौरव गुप्ता जो है इनके, ठीक है, को फाउंडर, उन्होंने कंपनी को ट्वीट कर दी, ठीक है। तो इसकी वजह से स्टॉक नहीं गया, मतलब कि 6-7% के गेन से गिरा एंड रेड में बंद हुआ है, ठीक है। डिश टीवी की अगर बात करूँ, डिश टीवी द हिंदुस्तान टाइम्स एक्वायर 2 करोड़ शेयर्स, हिंदुस्तान टाइम्स ने 2 करोड़ शेयर्स एक्वायर किए डिश टीवी के अंदर 19.22 पर शेयर इक्विटी शेयर के प्राइस के ऊपर, ठीक है। वॉल स्ट्रीट डॉफ वॉज 200 points, अनसर्टेनिटी टैक्स अनसर्टेनिटी की वजह से डॉ जो नहीं गया 200 points फॉल गिरा, ठीक है। तो ये हमने जो अभी फिलहाल देखा रीजन, हमको यहाँ पे पता चला कि टैक्स अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से मतलब कि डॉजोस गिरा। झुंझुनवाला एंड BOFA सिक्योरिटीज, इन्होंने दोनों ने मिल के मतलब कि अकेले अकेले ने मतलब 5 million मतलब शेयर्स इन्होंने बाय किए, ठीक है, इसके जी एंटरप्राइजेस के जी लिमिटेड के, जो कि मतलब कि फ्लक्चुएशन हो रहा था मार्केट में तब, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ है, जबकि आपको पता ही है कि जी का शेयर कल 40% भागा है, ठीक है। देन जो अपने टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स है, टॉप गेनर्स के अंदर है अपना इंडसइंड बैंक, ठीक है, इंडसइंड बैंक, SCL टेक IT में, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प जो कि 2% के गेन के साथ में, अदानी पोर्ट्स था 1.53% के, टाटा मोटर्स था 1.51% के गेन के साथ में, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमने देखा कि SCL टेक था एक IT सेक्टर का जो हमने कल बात किया था, बाकी तो मतलब इंडसइंड बैंक है, ठीक है, बाकी सब डिफरेंट सेक्टर्स के, ठीक है। जो टॉप क्लोजर था उसमें था अपना सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट, HFC जो है वो था टॉप क्लोजर में सेकेंड 1% के अप्रॉक्स, BPCL था कुछ 1% के अप्रॉक्स, क्रूड ऑयल का फर्क, ठीक है, नेस्ले इंडिया 1% के अप्रॉक्स गिरा, टाटा स्टील गिरा 1% के पास में,
ठीक है, जो कि मेटल सेक्टर में बात किया मेटल से। हाँ तो जैसे कि मैंने बोला था कि आईटी चलेगा कल एंड मेटल सेक्टर गिरेगा, ठीक है, तो वैसा हुआ। हमें एक शेयर तो दिखा आईटीसीएल जो कि चला है एंड मेटल सेक्टर में के जो कि मतलब टाटा स्टील गिरा है, ठीक है। एफएनओ के डेटा में जो ये है मतलब जो हमको सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे जो मतलब कि हमको रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है। तो जो हमारा करंट प्राइस है हमारा अप्रोक्स मतलब कि 70,400 to 70,450 के बीच में, ठीक है भाई। हमें जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था मैंने जो बोला था, जो कि अभी भी है, अगर मार्केट नीचे आ गया तो वो है 70,400 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस था वो है 17,500 का है, जो 17,500 का लेवल है जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यही एक जोन है जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है, बाकी तो मतलब ये सब नॉर्मल ही है, ठीक है। ये जोन, ठीक है, जो कि अभी 17,400 के ऊपर मार्केट ट्रेड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये जोन है जहाँ पे मतलब कि मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो आपको 17,500 को आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या 17,400 का स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट होना चाहिए, या आप उस हिसाब से देखिए, ठीक है। तो ये अपने मतलब क्या है कि सबसे बड़ा रजिस्टेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो अभी देखेंगे पुट्स देखेंगे। पुट्स में जो सबसे बड़ा मतलब कि जो अपना सपोर्ट लेवल है फिलहाल, अभी सपोर्ट लेवल तो सबसे पहले तो अभी यही है 300 है, मेरे को जो लगता है सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल था अभी तक वो 7,300 है, और सेकेंड है 7,200, ठीक है। अगर 7,200 तोड़ दिया तो उसके बाद में मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि 17,000 का लेवल भी तोड़ देगा मार्केट, ठीक है। तो ये तो सपोर्ट लेवल है मार्केट के लिए, ठीक है। सपोर्ट जोन जो है वो है 17,200, 17,300, ठीक है। सपोर्ट सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। तो आप इस बीच यहाँ पे आप सपोर्ट का मतलब एक्सपेक्टेशन कर सकते हो जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। देन हम देखेंगे FISDIS का क्या हुआ। FISDIS में कल ओवरऑल मतलब कि 16,500 की मतलब कि बाइंग हुई है यहाँ पे, 16,550 की बाइंग हुई है यहाँ पे करोड़ की, ठीक है। एंड DIS ने अप्रोक्स 310 सेल किया है, करोड़ सेल किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो FNO का डेटा अगर बोलते हैं, FNO के डेटा में इंडेक्स के अंदर जो कि DIS ने अप्रोक्स 1300 का मतलब कि 1300 का मतलब कि सेलिंग किया है, 1300 करोड़ की सेलिंग की, वही 197 करोड़ की सेलिंग की है बाय FIS ने 197 करोड़ की मतलब सेलिंग किया है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल जो कैश मार्केट में था, कैश मार्केट में तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव ये था, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव वो मतलब बाइंग हुई यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे ओवरऑल सेलिंग हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स के ऊपर मतलब कि कोई बुलिश नहीं उतना था, इंडेक्स के ऊपर मतलब कि सेलिंग ज़्यादा चालू है, ठीक है। बट जो कैश मार्केट में बाइंग ज़्यादा शुरू है, ठीक है। तो आगे चलते आगे अब। हाँ, कोई सिचुएशन, ठीक है। तो कल जो हुआ, कल अप्रोक्स 142,000 केसेस आए हैं यहाँ पे US में, एंड जो डेथ काउंट है वो कि अप्रोक्स 2,000 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई, इतना ज़्यादा था नहीं अभी तक, बहुत ज़्यादा हो गया ये वाला। इसकी वजह से हमको मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि फॉल दिख सकते हैं मार्केट के अंदर, US मार्केट के अंदर, ठीक है। अचानक से बहुत ज़्यादा डेड काउंट बढ़ गया है, ठीक है, केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब एक निगेटिव इम्पैक्ट दिखेंगे हमको मार्केट में भी फिलहाल, ठीक है। वही 1,30,000 के केसेस मतलब रिकवरी है यहाँ पे इंडिया में, 27,000 के मतलब केसेस है फिलहाल, जो कि कल से 24,000, ठीक है। एंड डेड काउंट है अप्रॉक्स 300 एंड 200 के बीच में मतलब डेड काउंट चल रहा है। और जो हमारा रिकवरी रेट है वो है 40,000 के आसपास मतलब रिकवरी रेट है, जो कि आज आज का है 37,38,000 मतलब अप्रोक्स मतलब कि यहाँ पे आज रिकवरी हुई है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में तो मतलब कि मतलब कंडीशन फिलहाल नॉर्मल है, बट US में मार्केट कंडीशन मतलब कि ख़राब हो गई, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है 17,421 का मतलब कि रेजिस्टेंस आपको सबसे पहले दिखेगा, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिटर्न भी आ गया था लास्ट टाइम कल, ठीक है, 17,452, ठीक
ठीक है, यहाँ पे एक आपको सेकंड रेजिस्टेंस दिखेगा और थर्ड रेजिस्टेंस दिखेगा आपको 70,500। ये जोन ही मतलब कि रेजिस्टेंस का एक्चुअली 400 और 500 मैंने जो बोला है आपको, ठीक है, ये रेजिस्टेंस दिखेंगे आपको यहाँ पे। इसके बाद में जो सपोर्ट लेवल है वो 7,328 का मतलब कि सपोर्ट लेवल है फर्स्ट वाला। सेकेंड सपोर्ट लेवल है 7,267 और थर्ड सपोर्ट लेवल है 70,235। तो जो मैंने बोला है 300 और 200 के बीच का मतलब कि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करो। अगर आपको आपको अगर मतलब कि रेजिस्टेंस जानना है तो रेजिस्टेंस का लेवल है 70,400 to 17,500, ठीक है। जो सपोर्ट है हमारा 17,300 to 17,200, ये अपना सपोर्ट लेवल है जो है, ठीक है। तो ओके, देखते कल कल के मार्केट में मतलब मिलते हैं। एंड आज तो आपको मैंने बोला कि बताइए कि मतलब कि रेड में मतलब कि कारोबार हो सकता है, रेड में मतलब मार्केट जा सकता है एंड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, स्टॉप लॉस लगा के खेलिए। थैंक यू।